1 घंटे का 200 है, 2 घंटे का 350 है, 3 घंटे 1 घंटे का 200 है, 3 घंटे का 500 है, 4 घंटे का 600 है। अच्छा, और पूरा दिन का रहेगा तो? पूरा दिन का रहेगा तो 1200। एसी 300 रुपए और नॉन एसी? नॉन एसी 200 घंटे का, 1 घंटे का। और अगर पूरा दिन रहना है तो? पूरा दिन रहने का तो मतलब नाइट के लिए 1500 रुपए कपल्स का ही है। अच्छा, ये सिर्फ कपल्स का ही है, ग्रुप्स नहीं, सिर्फ कपल्स के लिए? सभी का हमारे YouTube चैनल द जिंगाट गर्ल ब्लॉग्स पे। आशा करती हूँ कि आप लोग टनाटन होंगे, मैं तो एकदम ही ज़्यादा मस्त हूँ। पीछे ना काफ़ी आवाज़ है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करो। वैसे हम आए हैं गोराई बीच, जो कि एक कपल फ्रेंडली बीच है, और साथ ही साथ आप आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी ना बहुत इन्जॉय कर सकते हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि गोराई बीच पे आप कैसे आ सकते हो, क्या कुछ चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या कुछ खा सकते हो, और होटल्स कौन से अच्छे होंगे स्टे करने के लिए। तो बस लगे रहो, अभी मैं यहाँ पे नाके पे हूँ, अभी अपने को स्ट्रेट अंदर जाना है। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियाँ लेके घुसे हुए हैं, इसके वजह से वहाँ पे थोड़ी सी जाम लगी हुई है, बट चलो निकलते हैं आगे। दोस्तों, हमने वहाँ से एंटर कर लिया, अब यहाँ पे ना लाइन से आपको काफी सारे होटल्स मिल जाते हैं। भाई गाड़ियाँ हैं आपके पास पता है, लेकिन एटलीस्ट बीच पे तो मत लेके जाओ गाड़ियों को, ऐसे हाल हो जाता है भाई। इतना ज़्यादा जाम है ना, अभी भी है, देखो कैसे तैसे हम लोग निकल के आ गए। और ये रहा गोराई बीच, क्या रश है देखो, सुपर। चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, आ चुकी हूँ मैं बीच पे, और ये जो गोराई बीच है ना यार, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, और आपको ना थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आप जो है गोवा में है। अब इस पर यार प्लीज़ ऐसा वैसा कॉमेंट मत कर देना कि ये कहाँ से गोवा हो गया, बट सच में फील आती है यार। ये देखो, ये जो नारियल के झाड़ है और वो जो पत्थर रखे हुए हैं, एंड इनके पीछे ही ना बहुत सारे ऐसे लॉजेस आपको मिल जाते हैं। तो प्राइसिंग हर एक लॉज की मैं नहीं बता सकती हूँ भाई, वो आप आओगे तो देख लेना। बाकी यस, मैं बताऊँगी कि मिनिमम कॉस्टिंग क्या होती है। यहाँ पे लाइन से मस्त, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल से खाने की आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे, और लोग इसलिए अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे लेके आते हैं, बिकॉज ये बीच इतना बड़ा है ना, मस्त में आपकी गाड़ी, स्कूटी, ऑटो, जो भी है ना, सब कुछ मस्त यहाँ पे रुका के मस्त इन्जॉय कर सकते हो। तो लो टाइड है, तो इसके वजह से बहुत वहाँ तक जा चुका है पानी, रेड फ्लैग लगाया हुआ है, बिकॉज मानसून सीज़न चालू है, तो कभी भी हाई टाइड हो सकती है उसके वजह से। बाकी यस, ये देखो लोगों को इन्जॉय करते हुए, यस मैं भी इन्जॉय कर रही हूँ, और अपन बहुत बार आ चुके हैं गोराई बीच, मज़ा आ जाता है हमेशा। दोस्तों, यहाँ पे खाने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम खा रहे हैं ये आंटी का वड़ा पाव, जो कि हम हमेशा खाते हैं, हमेशा ट्राई करते हैं। यहाँ का वड़ा पाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और इनकी मिर्ची भज्जी जो है ना, वो एकदम ही ऑसम रहती है। तो चलो अपना वड़ा पाव ले लेते हैं, एंड फिर थोड़ा सा पानी में मज़ा करने के लिए जाते हैं। एकदम गर्मा गर्म और टेस्टी लग रहा है। वड़ा पाव खा के आपका पेट बस नहीं होगा, और आपको ऐसा लगेगा और भी कुछ खाना चाहिए। इसके लिए हमने कटलेट लिया है, और मस्त ये कटलेट भी खाएंगे। वाओ, कितना खूबसूरत नज़ारा है, और ये साथ में गरम गरम कटलेट। जो है हम आ चुके हैं एकदम समंदर किनारे, और क्या वाइब और क्या फीलिंग आ रही है कि क्या ही बताऊँ, ये तो आप लोग यहाँ पे आके फील कर सकते हो। बहुत मस्त एकदम वेदर हो रखा है, बारिश जो है गायब हो चुकी है मुंबई से, आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पे देखो क्या मजे कर रहे हैं लोग, वाओ। वैसे ये बाकी बीचेस यानी कि अक्सा बीच वगैरह जो है मुंबई में, उससे थोड़ा सा कम खतरनाक है, मतलब जितना भी पानी में मत जाओ एटलीस्ट मानसून में, बट यस मस्त पानी में आप इंजॉय तो कर ही सकते हो यहाँ पे। गोराई बीच से मज़े करके जो है निकल रही हूँ, और जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लॉजेस वगैरह आपको मिलते हैं, कपल फ्रेंडली होटल्स आपको मिल जाते हैं स्टे करने के लिए, घंटों के हिसाब से एंड दिन के हिसाब से, एंड और जहाँ पे आप आपके फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ में भी स्टे कर सकते हो। तो ऐसे लाइन से है, जैसे मौका मिलता है वैसे मैं आप लोगों के लिए रेट्स निकालने की कोशिश करती हूँ। चलो, वैसे यार बड़ी हिम्मत लगती है ये चीज़ करने में, बट सिर्फ आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे इसलिए मैं ये कांड करती हूँ, वरना आसपास के लोग देखने लग जाते हैं जब मैं ये कांड करने जाती हूँ। चलो कोई नहीं, आप लोगों के लिए कुछ भी। क्या है रूम के प्राइसेस? रूम का पूछा नॉन एसी का? नॉन एसी कितना है?
एक घंटे का वैसे कितना? एक घंटे का 200 है, 2 घंटे का 350 है, 3 एक घंटे का 200 है, हाँ 3 घंटे का 500 है, 4 घंटे का 600 है। अच्छा, और पूरा दिन का रहेगा तो? पूरा दिन का रहेगा तो 1200। अच्छा, 1200 तक 1300। बाकी ऐसे मतलब ग्रुप में अगर लोग आते हैं बहुत सारे तो उनके लिए है ना, तो उनके लिए कैसा रहेगा? उन लोगों के लिए अभी एसी नॉन एसी? नॉन एसी। दिन के लिए कि नाइट के लिए? 24 नाइट के लिए समझो रहेगा तो 3000 रुपये। अच्छा, 3000 है ग्रुप में, कितने भी लोग रहेंगे चलेगा ना? क्या नाम है वैसे? श्री गेट है। श्री गेट। सो दोस्तों, पीछे आपने देखा सी गेट, वहाँ पे हमने रेट्स निकाले। आप लोगों ने सुन लिया कि क्या प्राइसिंग है। वैसे यहाँ पे भी मनोरी जैसा सेम ही है, घंटे का 200 रुपया। तो बाकी और भी चलते हैं आगे, बाहर भी बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, तो वहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या है प्राइजेस रूम्स के। एसी मिलते हैं? हाँ जी, एसी मिलने से। एसी 300 रुपये। एसी 300 रुपये। और नॉन एसी? नॉन एसी 200 घंटे का, एक घंटे का मतलब। और अगर पूरा दिन रहना है तो? पूरा दिन रहने का तो मतलब नाइट के लिए 1500 रुपये। 1500 रुपये नाइट के, 1500-2000 रूम देख के समझो। अगर ग्रुप आता है? ग्रुप नहीं डालते सिर्फ कपल्स का ही है। अच्छा, ये सिर्फ कपल्स का ही है? ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कपल्स के लिए। खाना पीना रहता है अंदर? अंदर कपल के लिए। ग्रुप लिएगा ना, ग्रुप टेंशन होता है, रात को सोने भी नहीं मिलता है। हम लोग जल्दी बंद करके सो जाते हैं ना, 9-10 बजे बंद करके सो जाते हैं। ठीक है, चलेगा, थैंक यू। दोस्तों, पीछे जो थे दो होटल्स, बाल कृष्ण और निसर्ग, यहाँ पे सिर्फ कपल्स के लिए मोस्टली एंट्री है, ग्रुप्स वगैरह वो लोग नहीं लेते हैं। और सेम प्राइसेस है, एसी का एक घंटे का 300 रुपये है और नॉन एसी का 200 रुपये है। तो दोनों की प्राइसेस सेम है, तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छा है, बिकॉज आसपास का व्यू भी यहाँ का अच्छा है। अदरवाइज़ थोड़ा बीच के पास ही चाहिए, तो जो मैंने आपको दिखाया था साई गेट कुछ था, बीच के पास में ही था वो, वहाँ पे भी जा सकते हो। या फिर ये भी अच्छा कॉस्टिंग है इसका भी, खाना पीना भी आपको मिल जाता है अंदर। एंड यस, ग्रुप्स नहीं, सिर्फ कपल्स के लिए है। दोस्तों, अब यहाँ पे आना कैसे है वो बता देती हूँ। अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो मस्त मैप में लगा दो गोराई बीच और पहुँच जाओ यहाँ पे। अदरवाइज़ आप गोराई जट्टी जा सकते हो, यानी कि बोरीवली से गोराई जट्टी तक आपको आना है। फिर वहाँ से आप जो है जट्टी पकड़ोगे, फिर वहाँ से आप बस पकड़ सकते हो, या तो फिर आप ऑटो से भी आ सकते हो। ऑटो कुछ 150-200 अराउंड लेता है। सेम मनोरी के लिए भी है, मलाड से मारवे आओ, फिर मनोरी आओ, फिर वहाँ से वापस से आपको ऑटो या बस पकड़नी है और फिर आप पहुँच जाते हो यहाँ पे गोराई पे। तो ऐसे कुछ है, बस से भी आ सकते हो एकदम अफोर्डेबल, मस्त चीप में। अदरवाइज़ ऑटो भी कर सकते हो, और सबसे बेस्ट तो आपकी खुद की गाड़ी है तो फिर मस्त अंदर लेके जाओ। लेकिन यार कोशिश करना कि वीकेंड जब होना तब गाड़ियाँ अंदर मत लेके जाना, बाकी डेज पे आप मस्त इन्जॉय कर सकते हो। तो बस यही था, आई होप मैंने आप लोगों को होटल्स के प्राइसेस अच्छे से बता दिए। आते हो यहाँ पे तो मस्त होटल बुक करके इन्जॉय कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स फैमिली या तो फिर रिलेटिव्स या फिर कपल हो तो मस्त इन्जॉय कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके का बेहतरीन सा एक वीडियो बनाया था मैंने मनोरी बीच का, जिसपे लाखों के व्यूज़ है, तो एक बार जाके वो भी चेक कर लेना। उस पर भी आपको बहुत ही मस्त वाले इन्फॉर्मेशन मिलेंगी रूम्स के रिगार्डिंग और बीच के रिगार्डिंग और बहुत सारी चीज़ें। तो बस आज के लिए इतना ही, किसी भी वजह से वीडियो पसंद आया होगा। ज़िंगार्ड गर्ल की सेवाएं जारी रखेंगे, तो लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। बाय बाय।